अमेरिका और ईरान के बीच फिर एक बार तनातनी बढ़ती जा रही है। पहले ईरान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति रईसी ने तल्ख लहजे में अमेरिका को चेताया था। अब ईरान ने नए ड्रोन का दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसके पास 7000 किलोमीटर रेंज वाला ड्रोन मौजूद है। ईरान के इन दावों के बीच अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। इराक और सीरिया के बॉर्डर पर अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। कमोबेश ऐसे ही विध्वंसक प्रहार किया है अमेरिका ने इराक सीरिया सरहद पर। कमोबेश ऐसे ही बारूद बरसाए हैं अमेरिका के कमांडरों ने। टारगेट था वो मिलिशिया ग्रुप जिसे ईरान सपोर्ट करता है, जो इराक और सीरिया के सरहदी इलाकों से चलता है। अमेरिका वर्सेस ईरान, दुश्मनी का नया राउंड। सीरिया में हमला, आतंकी ठिकाना धुआं धुआं। ईरान का ड्रोन तैयार, यूएस पर करेगा पलटवार। ईरान का कौन सा ड्रोन अमेरिका के लिए आफत बन गया है ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि आज तक कहां और क्यों अमेरिकन कमांडरों ने बारूदों की बारिश की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपनी एयर स्ट्राइक में ऑपरेशनल और वेपन स्टोरेज वाले सीरिया में दो ठिकाने और इराक में एक ठिकाने को निशाना बनाया है। अमेरिका का दावा है कि इन तीनों ठिकानों को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इनका इस्तेमाल ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप करता है। वो मिलिशिया ग्रुप जो इराक में अमेरिकी जवानों और ठिकानों पर हुए यूएवी हमलों में शामिल है। इस विध्वंसक हमले में मिलिशिया ग्रुप के कितने हथियारबंद मारे गए या जख्मी हुए इसके बारे में नहीं बताया गया है। फिलहाल इसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन इस हमले के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है क्योंकि ये एयर स्ट्राइक राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर की गई। राष्ट्रपति बनने के 5 महीने के अंदर जो बाइडेन ने दूसरी बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के खिलाफ जवाबी हमले का आदेश दिया है। बाइडेन ने आखिरी बार फरवरी के दौरान सीरिया में सीमित हमलों का आदेश दिया था। फिर एक बार प्रेसिडेंट बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने सीरिया और इराक के मिलिशिया ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया है। इस हमले के बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब अमेरिकी ठिकानों पर भी पलटवार होगा? क्या ईरान की मदद से मिलिशिया ग्रुप प्रहार करेगा? क्या ईरान पर प्रतिबंध की पहल भी खटाई में पड़ेगी? अमेरिका समेत 6 महाशक्तियां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए प्रतिबंधों को ईरान से हटाने पर विचार विमर्श कर रही है। हाल में बाइडेन प्रशासन की ओर से कहा गया था कि अमेरिका ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामनेई पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है, लेकिन उसके बाद ईरान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने तल्ख लहजे में अमेरिका को चेताया था। ईरान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी साफ सरल स्पष्ट शब्दों में कहा था, उनका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने का कोई इरादा नहीं है। रईसी ने कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर ईरान कोई समझौता नहीं करेगा और इस मुद्दे पर वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात का इरादा भी नहीं रखते हैं। रईसी के गद्दी पर बैठने से पहले ही तल्ख बयान के बाद जिस तरह अमेरिका ने ईरान समर्थित मिलिशिया को टारगेट किया है, उससे तय है कि टकराव का नया अध्याय लिखा जाना बाकी है। आगे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है क्योंकि मिलिशिया संगठनों पर अमेरिकी हमलों के ठीक बाद ईरान ने अपने नए विध्वंसक ड्रोन के बारे में दुनिया को बताया है। ईरानी गार्ड्स कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान के पास 7000 किलोमीटर की लंबी दूरी के ड्रोन हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे ड्रोन उड़ान भर सकते हैं और निर्धारित स्थान पर सुरक्षित लैंडिंग भी कर सकते हैं। जाहिर है कि ये ईरान की ओर से अमेरिका की चेतावनी है। आपको बता दें कि ईरान की सीमाओं पर निगरानी के काम में आमतौर पर ड्रोन ही तैनात किए गए हैं, खासकर होर्मुज खाड़ी के जल क्षेत्र में सर्वाधिक तैनाती ड्रोन की है। ईरान और क्षेत्रीय सैन्य बल समेत यमन, सीरिया और इराक में हाल के वर्षों में ड्रोन का प्रयोग अधिक होने लगा है। ऐसे में जब नए ड्रोन की ताकत से ईरान लैस होने का दावा करता है तो आशंका है कि ईरान की शह पर मिलिशिया संगठन अमेरिका पर पलटवार कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वही होगा जो कल्पनाओं में भी कपाने वाला होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
टीवी 9 भारत वर्ष पर।